मध्य प्रदेश की सियासत में जब से दिग्गज नेताओं की फौज सियासी रण में उतरी है, तब से लगातार ये नेता सुर्खियां बटोर रहे हैं। कभी कांग्रेस को कोसकर तो कभी खुद की दावेदारी का दम भरते हुए बीजेपी के कई नेता इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर अखबारों और चैनल्स की सुर्खियों में हैं। इनमें से एक नाम इंदौर विधानसभा एक के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी ने अब तक चौथे लिस्ट जारी करते हुए 136 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसी बीच आज कांग्रेस ने भी 144 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम सामने आते ही बीजेपी खेमे में बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस के सारे कैंडिडेट फ्यूज बल्ब की तरह हैं। विजयवर्गीय ने इस बयान पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पलटवार किया है। हरीश रावत ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको ये कह दीजिए कि शिवराज सिंह चौहान ने कसम खाई है कि कैलाश विजयवर्गीय को निपटाना है। पहले शिवराज सिंह चौहान से पूछ लीजिए कि वो आपको विधानसभा में आने भी दे रहे हैं या नहीं, उसके बाद कांग्रेस की चिंता करना। बता दें, कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान में कहा था कि कांग्रेस के सारे कैंडिडेट फ्यूज बल्ब की तरह हैं। इन 144 कैंडिडेट में 44 कैंडिडेट भी अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाएंगे। इनमें से अधिकांश का जमानत जब्त होने वाला है। आज ही स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस सरकार नहीं बना सकते। जिस प्रकार से महिला और पिछड़े वर्ग की उन्होंने अपेक्षा की है, उससे साफ लगता है कि उन्होंने निराशा में उम्मीदवारों की सूची जारी की है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, दोनों पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। दोनों खेमे में बयानबाजी का दौर भी जोरों शोरों पर है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के मिश्रा ने दावा किया है कि 144 टिकट पर काफी मथन के बाद सूची जारी की गई है। ये सभी चेहरे जीतने वाले हैं। अब आने वाली सूची का भी इंतजार हो रहा है। टिकटों में सभी की हिस्सेदारी रहे, यही कांग्रेस की पहली प्राथमिकता रही है। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय ने मतदान से पहले ही खुद को विधानसभा एक का विधायक घोषित कर दिया था। विजयवर्गीय पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। इससे पहले उन्होंने घोषणा की थी कि जिस बूथ से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा, उस बूथ अध्यक्ष को वह 50,000 रुपए का नकद इनाम देंगे। इसके बाद कांग्रेस इस बयान पर हमलावर हो गई थी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।